हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईट ट्रीट विथ मी। आज हम बनाएंगे पोटोला रसा। ये ओडिशा का फेमस स्पाइसी ग्रेवी आइटम है। ये परवल और आलू से बनता है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में क्लिक करना ना भूलिए फॉर मोर रेसिपीज। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम परवल और 3 आलू लिए हैं। पहले हम परवल के सख्त हिस्से को थोड़ा सा पील कर लेंगे। पील करने के बाद उसके दोनों साइड को काट लेंगे और बीच में से डायगोनली कट करेंगे। ये पोटोला रसा के लिए परफेक्ट कटिंग है। इस तरह हम और भी परवल काट लेंगे। ये देखिए, मेरे परवल अभी डायगोनली कट होकर रेडी है। अभी हम आलू को अच्छे से पील कर लेंगे चारों तरफ से। अभी हम आलू को इस तरह बड़े बड़े क्यूब साइज में काट लेंगे। आलू और परवल अभी अच्छे से कट हो गए हैं। सब्जियों को मैंने अच्छे से पहले धो लिया है। अभी हम सब्जियों में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी इन सारे मसालों को हम परवल और आलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए किचन काउंटर में छोड़ लेंगे। अभी हम एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम होने के बाद आलू और परवल को उसमें डाल देंगे। सब्जियों को हम गोल्डन कलर होने तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। बीच बीच में आप चलाते रहिए उसको। हमारे परवल और आलू अच्छे से गोल्डन कलर हो गए हैं, उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा प्याज का पेस्ट, 2 चम्मच दही, 2 छोटा टमाटर चॉप किया हुआ, 5 से 6 काजू पानी में भिगा हुआ, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 3 छोटी इलायची, 2 तेज पत्ता और नमक स्वाद के अनुसार चाहिए। अभी एक ब्लेंडर में हम कटे हुए टमाटर, भिगे हुए काजू, साबुत जीरा और 3 इलायची को डाल के उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अभी हमारा पेस्ट बनके रेडी है। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और उसमें 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी परवल के करी में अच्छा सा कलर देगा। चीनी अच्छे से घुलने के बाद अभी उसमें 2 तेज पत्ता डाल देंगे और 4 लौंग डाल देंगे। अभी उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें एक बड़ा प्याज का पेस्ट डाल देंगे और प्याज को थोड़े टाइम के लिए कुक करेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज अभी थोड़े से कुक हो गए हैं। अभी उसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक और लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। इससे उसका जो कच्चापन रहता है वो चला जाएगा। 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अभी उसमें टमाटर और काजू का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। अभी इन सारी चीजों को हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। अभी उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अभी इन सारे मसालों को पहले अच्छे से मिला लेंगे। अभी उसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। और सारे मसालों को अच्छे से मिला के थोड़ा सा पानी डालेंगे अभी उसमें। और मसालों को हम 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच में ढक के कुक होने देंगे।
इससे हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। चार से पांच मिनट बाद ये देखिए मसाले अभी तेल छोड़ के अच्छे से भुन गए हैं। अभी उसमें दो चम्मच दही को अच्छे से फेंट के डाल देंगे, इससे हमारा ग्रेवी स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का बनेगा। दही को हम मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे पहले। अभी उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारे मसाले को हम 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच में ढक के पकाएंगे। 4 से 5 मिनट बाद देखिए सारे मसाले और दही अच्छे से मिल गए हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। मसाला अभी बनके बिल्कुल रेडी है। अभी हम फ्राई किए हुए आलू और परवल को मसाले में डाल देंगे और सारे सब्जी को हम मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। अभी हम सब्जी में 1 बड़ा कप पानी डालेंगे और सब्जी को अच्छे से मिलाने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच में उसको ढक के पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए सब्जी अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं। अभी उसके ऊपर से 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर डालेंगे और सब्जी के साथ अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर से थोड़े से कटे हुए धनिए के पत्ते डालेंगे और गैस को हम बंद कर लेंगे। ये हमारा पोटलो रसा अभी बनके बिल्कुल रेडी है। इस परवल की सब्जी को आप रोटी और राइस के साथ सर्व कीजिए। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।